हाइब्रिडाइजेशन पे मैंने क्या बोला, सेंट्रल एटम के ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा उसके सेंट्रल एटम पे चेक करिए नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड की तरह ही काउंट करना है, ठीक है ना? काउंट करो, अगर दोनों को काउंट करके ऐड करिए, दोनों के ऐड करने के बाद अगर मान लीजिए आपको नंबर आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp, अगर नंबर आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इट इज 4 इट इज sp3, इट इज 5 sp3, 6 sp3 d2 और d2, 7 सेंट्रल एटम के ऊपर काउंट करें कितने लोन पेयर है कितने सिंगल बॉन्ड है, दोनों ऐड करो और नंबर के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन डालते जाओ, इतने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और कुछ नहीं होता। चार में भी दो पॉसिबिलिटी है, एक है DSP2, ऑप्शंस देखना है आपको गाइस हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर sp3 चार आपको आया काउंट, ऑप्शन में sp3 है चेक करेंगे, sp3 नहीं है तो क्या चेक करना, DSP2 है क्या तो भी चलेगा, 4 भी दोनों पॉसिबल है। मान लीजिए आपको पूछा है अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो हम बोलेंगे ये है सेंट्रल एटम। वैसे मैंने बोला कैसे पहचानने का सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी बन नहीं सकते हैं सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी नहीं बनेंगे सेंट्रल एटम, हमेशा वो सराउंडिंग में ही रहेंगे। जो बाकी लोग हैं वो कम्पीट करेंगे सेंट्रल एटम बनने के लिए, सेंट्रल एटम बनने क्वालिफिकेशन है जो बाकी जितने बाकी जित कंपटीशन में है ना, जो सबसे बड़ा है वो बन सकते हैं सेंट्रल एटम, जिसकी संख्या सबसे कम है वो बन सकता है सेंट्रल एटम, जो सबसे अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो बन सकता है सेंट्रल एटम, बड़ा संख्या में कम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये कंडीशंस रहे तो सेंट्रल एटम बन सकता है। इन केस अमोनिया हाइड्रोजन तो इसमें नहीं बनेगा तो कंपटीशन ही नहीं है, तो नाइट्रोजन ही बनेगा सेंट्रल एटम, बीच में आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, 15 ग्रुप। वापस से निवेदन करता हूं, अगर 2 साल होने के बाद जब पीरियड टेबल लर्न नहीं है तो घर जाके आज ही लर्न कर लीजिए, बिकॉज पीरियड टेबल लर्न किए बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने की कोशिश करें तो मुश्किल जाएगा। पीरियड टेबल इज बेस, कम से कम एस ब्लॉक पी ब्लॉक दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए, कौन से एलिमेंट किधर है, किस पीरियड में किस ग्रुप में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिनको नहीं आता वो क्लियर, जिनको आता है कि नहीं पता नहीं, चेक करना है। ग्रुप वन यौगिक ग्रुप वन बताओ, हेलेना की रफ से फरियाद, बताओ एलिमेंट्स, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम टाइटेनियम। अब ग्रुप और पीरियड तो आप बस नंबर से समझ सकते हैं, आपने लिख लिया तो सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 यही है पीरियड नंबर, ऐसा लर्न हो गया तो पीरियड नंबर आप बोल सकते हैं ये पीरियड है, उससे फायदा क्या समझ में आएगा। ये ग्रुप वन, हेली ना की रब से फरियाद, या जैसे भी आप पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ जाओ, आपने टेक्निक बताया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप धोए राजी, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, ये स्टार्ट होता है सेकेंड पीरियड से, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, बराबर ना, ये सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है। अब इफ यू गो 13
13th पी ब्लॉक, पी ब्लॉक की शुरुआत कहां से होती है? सेकेंड पीरियड से होता है। फर्स्ट में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। क्या नाम मैं गाने के पीछे? हाँ यस, थर्टीन टू। बैंगन आलू गाजर इन पहला, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इन। अच्छा वो पता है ना, सिर्फ बैंगन आलू पता है, वो एलिमेंट का नाम पता है। बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम गैलियम। 14th ग्रुप कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हां कहे शिव जी सुनो पार्वती। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। 15th ग्रुप कौन बताएगा? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बाकी सब क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सिस्टीन ग्रुप रिजर्व हैंड प्लीज। गौरी का चांस हो गया। और उधर से ओ बेंच ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो फिटोगे। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। 17th ग्रुप नहीं होता होगा। फिर कल बाहर आई हांडी है ना, फिर कल बाहर आई। 18th ग्रुप नोबल गैस तो बाय डिफॉल्ट पोलर होता है ना। 18th ग्रुप हाइड्रोजन नेहरा अगरकर। हाइड्रोजन नेहरा अगरकर जीरो रन में आउट हो गए। तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन नॉन रेडॉन नहीं, उसी सीक्वेंस जब ये आपका दिमाग में अगर बैठा हुआ है तो आप आराम से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है बड़ा सा एकदम। अब पूछा है बताइए किस ग्रुप का एलिमेंट है या किस पीरियड का एलिमेंट है, तो लोग सोचते बैठेंगे इस सब ऐड करते हैं एटॉमिक नंबर जानते हैं फिर देखते हैं किस ग्रुप का है किस पीरियड का है फिर ऐड करें 32 वो सब ऐड करेंगे बहुत समय लगाएंगे। पशुवांगी ऐसी करेंगी नहीं, क्या करेंगी आप फिर ही देखेंगे हम लास्ट सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में भरा है, पी में भरा है, डी में कि एफ में। जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो बताएगा क्या वो किस ब्लॉक का है। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में भरा है लास्ट 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 में आ गए मान लीजिए यहां 5p6 आ गए बोले कौन सा एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है हमको समझा ये पी ब्लॉक का है। और फिर पी में क्या है 6 है P6 मतलब P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये 18th ग्रुप का एलिमेंट है। ये 18th ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सा पीरियड का है? आगे नंबर सबसे बड़ा नंबर, इसका नंबर नहीं सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा लास्ट शेल कौन सा है। माने यहाँ पे आगे सिर्फ 4 ऐसे 3 सब है, सबसे बड़ा नंबर 5 है। सबसे बड़ा नंबर देखने का जो भी रहेंगे इसका नंबर नहीं देखने का, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर सबसे बड़ा 5 है मान लीजिए उसका मतलब ये बोलता है ये 5th पीरियड का है, मतलब एलिमेंट कौन है सुना। अगर एलिमेंट ही पूछे एक ही एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन है तो भी बोल सकते हैं आप। ग्रुप पता करो इससे ब्लॉक ग्रुप पीरियड तीनों समझ में आ गए, एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गए। ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो पीरियड टेबल की जानने से, ठीक है, सिर्फ पीरियड टेबल जानना अवश्य। Anyhow, going back to the topic.
क्योंकि नाइट्रोजन जो है 15th ग्रुप का एलिमेंट है, हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट में ही रहता है इलेक्ट्रॉन, ये बताया मैंने 15th ग्रुप के 15 1 5 मतलब आउटर मोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 16th में 6 रहेंगे, बताया मैंने। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, बोझ गांव में फ्लोरीन भी हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन एक से बॉन्ड बनाते नहीं है, तुम कितना भी उसको फोर्स करो वो बनाएगा नहीं, संभव नहीं उनके लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, पता है ना, फर्स्ट शेल में कितने होते हैं, एक सब शेल होता है, कौन सा, एस। सेकेंड शेल कितने होते हैं, सब शेल, सेकेंड शेल में कितने ऑप्शन होते हैं, हाँ, 6। सेकेंड शेल में 6 सबशेल होते हैं, बराबर नहीं, ठीक था, क्या 3 होते हैं सेकेंड शेल में, अच्छा 6 रानी बहुत गड़बड़ है, तीन किसने बोला दो गड़बड़, आश्चर्य की बात है, सब बैठो आप बच गए, इसलिए उन्होंने पूछा आपको बचाने के लिए, आपका इज्जत बचाने, आपके साथ और बहुत लोग हैं, अकेले है दिक्कत है ना, और 5 लोग साथ में कोई दिक्कत नहीं है, आश्चर्य की बात ये है जिनको मैंने पढ़ाया है उनको भी याद नहीं है, सबसे दुख की बात तो यही है, इतना लॉजिक टेक्निक्स यूज करके पढ़ाया और साल दो साल में कितने बार पढ़ाया होगा सेम टॉपिक, उसके बावजूद भी लोग सोच रहे हैं, तो फिर देखिए आपका बुद्धि जो है कितना श्रेष्ठ है, समझ में आता है आप किस लेवल के हो, इतने बार पढ़ाने के बाद भी आपकी जो बोलने की जो कैपेसिटी है ना, स्काई भी लिमिट नहीं है, इवन स्काई इज नॉट एंड, यू आर बियॉन्ड दैट ऑल्सो, इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, एक और बार रिपीट करता हूँ, ये अपेक्षा नहीं थी, आप समझ में आ गया, तब मुझे वापस से ब्रिज कोर्स की तरह पढ़ाना है, ऐसा लग रहा है मुझे, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है जी, मैंने बोला था 1 1 फर्स्ट शेल 1 होगा उसमें सिर्फ 1, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है वो है एस सब शेल, कुल मिला के 4 ही सब शेल है, एस पी डी है, उसके ऊपर तो हो नहीं सकते हैं पहली बार, और फर्स्ट शेल में एक ही होता है एस, सेकेंड शेल 2 मतलब 2 के लिए 2, सेकेंड शेल में 2 होंगे एस और P, थर्ड शेल में 3 मतलब 3, 3 होंगे S P D, फोर्थ शेल में 4 मतलब 4 S P D F, उसके बाद 4 4 4 कंटिन्यू होता रहेगा, फिर 4 ही होते हैं, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, ऐसा काज तेरी आटा होता है क्या? ओके, मैं क्यों बता रहा था? मैंने क्यों पूछा ये क्वेश्चन, कितने होते हैं, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन की बात सिर्फ एक ही शेल होता है ना, फर्स्ट शेल, फर्स्ट पीरियड का है मतलब एक ही शेल रहेगा, और फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है वो है एस सब शेल, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एस सब शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स, D subshell 10 electrons, F subshell 14 electrons, S subshell में कितने orbitals होते हैं? 8. P subshell में कितने orbitals होते हैं? 3. D subshell में कितने orbitals होते हैं? 5. F में 7. Arithmetic progression 1 3 5 7. दो संख्या बढ़ाते रहो. एक subshell, 3 subshell, 5 subshell, 7 subshell. S P D
एयर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए एस में एक ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मैक्सिमम। पी में तीन ऑर्बिटल है, एक में दो, 3 × 2 = 6 डबल, जितने ऑर्बिटल्स रहेंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसीलिए आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब पढ़ते हैं नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला एन स्क्वायर, को एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स जाने के लिए एन स्क्वायर यूज करते हैं, एन स्क्वायर, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर। एग्जाम पूछा 10th शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, हम बोलेंगे एन स्क्वायर, एन क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100, आंसर इज 100। वही जो फॉर्मूला आपने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, क्या फॉर्मूला है 2n2, क्यों, जितने ऑर्बिटल रहेंगे उसके डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू आ जाएंगे, सिंपल एक फॉर्मूला में दूसरा आ जाएगा अपने आप 2n, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन NH3 मॉलिक्यूल मैंने लिया नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स से मुझे मालूम चला 15 ग्रुप का एलिमेंट है उसी लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मुताबिक आपका एटॉमिक नंबर 7 है 2.5, 5 इलेक्ट्रॉन डाला, मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में उसके सिर्फ फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है वो एस होता है, और ऐसे मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, इसीलिए हम बोलते हैं फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होता है, ठीक है, दो ही कैपेसिटी है, एक उसके पास है सिर्फ वो एक ही एक्स्ट्रा ले सकता है, उसके ऊपर लेगा तो अपनी जगह उसके पास नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन जो है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, और फ्लोरीन कहां पे देखिए, वेरी गुड, 17 ग्रुप में सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में है उसका मतलब क्या, उसके पास दो शेल, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, जो पीरियड नंबर है वो आपको पता कितने शेल उसके अंदर, दो शेल है फर्स्ट एंड सेकंड शेल, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा हम चला कि हम जानते हैं फर्स्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, s सब शेल होता है, s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फर्स्ट में दो ही बैठेंगे, सेकंड शेल में s और p होते हैं, दो सब शेल s एंड p, s का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, p का 6 इलेक्ट्रॉन्स का है, 2 + 6 = 8, उसीलिए बोलते हैं सेकंड शेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो, उसके ऊपर भरने के लिए जगह आपके पास नहीं है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट 9 एटॉमिक नंबर बन जाए उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिया शेल नंबर 1 में, खत्म, कितने 7 बचे, अब शेल 2 में 8 के लिए जगह है, 7 आपने भर दिया, कितना प्लेस बचा है अभी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फ्लोरीन जो है मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लेने पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और उसके बाद रखने की जगह उसके पास नहीं, इसीलिए वो एक ही बनाएगा कोई भी कंडीशन में, दूसरा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। फ्लोरीन बना सकता है, क्यों, सेम ग्रुप के फ्लोरीन बना सकता है क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आता है, और थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल उसके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड शेल में एक सबशेल ऐड हो गया, डी सबशेल, मतलब थर्ड शेल का कैपेसिटी कितना, कैपेसिटी एस का 2, पी का 6, डी का 10, 18 हो गया, और उसके एटॉमिक नंबर है 17, मतलब फर्स्ट 2 भरेंगे, नेक्स्ट में 8 भरेंगे, भर गए 10 हो गए, और 7 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे थर्ड शेल में, थर्ड में 7 भरा, कितना बचा है पेंडिंग, और कितना भर सकते आप 11 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह है उसके पास, इसीलिए क्लोरीन जो है ना ऐसे कंपाउंड्स बना लेता है जहां पे वो और बॉन्ड बना लेता है। This is HClO4. HClO4. यहाँ क्लोरीन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉन्ड बना लिए।
मतलब सात सात बॉन्ड, मतलब सात इलेक्ट्रॉन्स मिला उसको, जितना बॉन्ड बनाते हैं मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लिया, उतना उसको मिला। तो सात के लिए जगह है क्या? हाँ जी, 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह है, सात के और लोग कोई दिक्कत मुझे नहीं है, समझ आ रहा है? इसीलिए क्लोरीन बना सकता है पर फ्लोरीन नहीं बना सकता, जगह नहीं है ना। तो थर्ड शेल के आगे जो है, थर्ड शेल के आगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में तो उनका डुप्लेट ही मैक्सिमम है, फर्स्ट में डुप्लेट के ऊपर बन नहीं सकता है, सेकंड शेल में ऑक्टेट ही मैक्सिमम है, आठ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। थर्ड शेल के आगे वो दिखाते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वो आठ भी कर सकते हैं, आठ से ऊपर भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन देम। हर क्वेश्चन पूछते एग्जाम में ऐसा, क्यों एक्सपेंडेड ऑक्टेट कौन दिखाते हैं? थर्ड आगे दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास थर्ड शेल से शुरू होता है डी ऑर्बिटल ना, उसमें डी होता नहीं है, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन बहुत जगह है, जैसा डी शुरू हो गया अब जगह ही जगह है, आप कितने ही बॉन्ड बना सकते हो, आठ के ऊपर भी हो सकते हैं। अदरवाइज जब लुईस ने किया था, लुईस बिकॉज जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है वो बहुत अधिकतर कंपाउंड उनके ही होते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, तो वो उन कंपाउंड को रिसर्च के देखा, वो सब ऑक्टेट ही कर रहे हैं, वो सब ऑक्टेट ही कर रहे हैं, तो बोला ऑक्टेट रूल दे दिया, बोला हर दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। बाद में मालूम चला सल्फर का कंपाउंड लिया, सल्फर तो ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ये क्लोरीन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कहां ऑक्टेट और कहां 14, डबल के पास आ गए, तो और लिया 16 हो जाता। बोले लुईस ने कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसा हो गया? तो हम देखते हैं लिखा एग्जाम में आपका टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सेप्शंस है ना, लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल व्हाटएवर, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट से अधिक कौन कर सकता है? जिनके पास डी ऑर्बिटल है, या सिंपल सी बात, थर्ड पीरियड के आगे वाले सभी कर सकते हैं। आपको ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग करेंगे नहीं, है तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर से बनाते हैं ना, ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए होता है, तो पी ब्लॉक में एप्लीकेबल है। और ये लोग ऐसे भी, उनको एक देना है, उनको चाहिए नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं तो क्यों लेंगे, वो उल्टा देना चाहते हैं। तो ग्रुप वन के एलिमेंट हमेशा प्लस वन ही करेंगे, बदलता नहीं है, ग्रुप टू हमेशा प्लस टू, मतलब दो देंगे, उनका रूल कोई बदलता नहीं, सिर्फ पी ब्लॉक के अंदर वैरायटी ऑफ ऑपरेशन स्टेट्स। अच्छा, हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, देते हैं इसको एक बॉन्ड, हो गए, बनाने के बाद हम देखा यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जो जोड़ी में है, ठीक है ना, और लोन लोनली है, मतलब उन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दोनों मस्त अपने दिल में और दिल के अंदर बैठी कपड़े मार रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको लोन पेयर बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन मतलब काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने लोन पेयर है, एन के ऊपर किस पे काउंट करने बोला मैंने, सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर, कितने सिग्मा है, 1 2 3, 3 + 1 = 4 आया काउंट करने, क्या 4 मतलब क्या, sp3, उसका मतलब अमोनिया हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आपको पहले पीरियड टेबल बताना चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2, पीरियड टेबल पता है एलिमेंट्स का, आप उससे क्या बना सकते हो, आप भी जान पाओगे। सेकेंड थिंग आपको पता चाहिए सेंट्रल एटम कैसे पहचानने का, सेंट्रल एटम डालेंगे पीरियड टेबल से, उसके आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे, फिर थर्ड शेल पता चाहिए बॉन्डिंग कैसे बनाने का, स्ट्रक्चर बनाने का कैसे, जो सराउंडिंग एटम्स है उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो एक बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सिंपल है, देखिए अधिक टेंशन कैसे मैं बना सकता हूँ, कैसे बना सकती हूँ, पॉसिबल है क्या, ये सोचने के बजाय उतना ही समय में और काम करिए,
जितने भी टेक्स्ट बुक लीजिए उसके अंदर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं बहुत सारे कंपाउंड्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, वहां जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना पिछले 10 साल में जितने क्वेश्चन पूछे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, वो सारे मॉलिक्यूल्स को लीजिए, या तो एनसीईआरटी ओपन करिए, स्टेट का मुझे याद नहीं है, एक टेबल बनाया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसमें ना एग्जांपल्स दिए हैं, शेप और ज्योमेट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स है, किसके लिए क्या एग्जांपल, सब एग्जांपल, जितने एग्जांपल उसके अंदर है ना वो सारे एग्जांपल के बस स्ट्रक्चर आप एक बार देख के बना लीजिए, फिर आपको लर्न हो जाएगा, उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, फेमस है, उसके अलावा क्वेश्चन और कहीं से आता नहीं है, जो पूछे गए हैं वो फेमस मॉलिक्यूल्स है, और कोई मॉलिक्यूल आएगा नहीं तो आप खुद से बनाने की कोशिश मत करिए, देख लीजिए जो मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल्स है एक बार बना लीजिए उनको देखकर और समझ जाइए, और उनसे ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया, ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले, PCl5 फास्फोरस किस रूप का है बताइए फटाफट, क्विक, 15, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, 1 2 3 4 5, मैं अभी ज्योमेट्री फॉलो नहीं कर रहा हूँ, शेप वगैरह रैंडमली आपको एविडेंस निकालना है, बस 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बना दिया, बाजू में कौन है उसके, क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, 5, एक क्लोरीन बनाएगा, देखो जब भी क्लोरीन जो है ना, जब भी हैलोजन्स, हैलोजन फैमिली जब भी सराउंडिंग एटम बनेगा ना तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, अगर वो सराउंडिंग एटम है मतलब बाजू सेंट्रल एटम नहीं है तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो सेंटर में है तो फिर अनेक बॉन्ड बना सकता है, सराउंडिंग में एक ही बनाएगा, तो एक शेयर एक बॉन्ड, हर एक शेयर में एक बॉन्ड हो गया, ये हुआ PCl5। आप काउंट करें कितने लोन पेयर है फास्फोरस के ऊपर, एक भी नहीं है, बचे कुछ भी नहीं है, कितने सिग्मा है, 5 सिग्मा है, तो 5 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। S और O में बड़ा कौन है, सल्फर है, वो बनेगा सेंट्रल एटम, बड़ा भी है कम संख्या भी है अधिक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी है, सल्फर किस ग्रुप का है, 16, मतलब उसके आउटर मोशन में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि 16 ग्रुप का है ना, 16 ग्रुप की जो एलिमेंट है उनके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उसको चाहिए ऑक्टेट, और वो सेकंड पीरियड का है, मैंने वो सेकंड पीरियड के सब बनाते हैं ऑक्टेट, तो दो बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा, दो बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, दो ऑप्शन दो बॉन्ड बना दिया। अब सल्फर के ऊपर लोन पेयर है क्या, हाँ जी एक लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड गिनना है, सारे बॉन्ड नहीं गिनना है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है, एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई, कितने सिग्मा है, दो सिग्मा है और एक लोन पेयर, 2+1=3, 3 मतलब sp2। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हाइब्रिडाइजेशन समाप्त, समय भी, पर जब तक कोई आता नहीं तब तक कुछ और हम, उसके बाद कौन सा था, ये रिलेक मोल्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करें, छोटा टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला क्वेश्चन कौन से मॉलिक्यूल दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन एग्जाम ऐसा होता है कौन से मॉलिक्यूल दिखाता है हाइड्रोजन
स्टेप वन, ये जानने के लिए कि मॉलिक्यूल दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नहीं, फर्स्ट स्टेप चेक करिए उस मॉलिक्यूल में फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है क्या। अगर है तो स्टेप टू, उस फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को हाइड्रोजन आपका जवाब है हाँ, इफ यस मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जो मॉलिक्यूल आपको दिया है चेक करो उसके अंदर फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है क्या, तीनों में से कोई एक है क्या मॉलिक्यूल में, नहीं है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें नहीं होगा, है ना, तो हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो स्टेप टू कर रहे हैं। फिर देखो उस ऑक्सीजन उस फ्लोरीन उस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन जुड़ा है क्या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। ये दो स्टेप में आप चेक कर सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है। उदाहरण के लिए दिखा सकता ही नहीं सकता। फर्स्ट है F O N है क्या? O है। Very good। O का ही जुड़ा है क्या? हाँ जुड़ा है। ये दिखा? F first है F O N है क्या? है। Very good। O का ही जुड़ा है क्या? नहीं क्योंकि इधर है CH3 O CH3 दोनों में कार्बन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जुड़ा? नहीं है। O को ही दिखा? यह सेकेंडरी एमाइन दिखा सकता है क्या? हाँ जी। एन है एन को एच जुड़ा हुआ है दिखा सकता है सेकेंडरी एमाइन दिखा सकता है। यह टर्शियरी एमाइन एन को सी एच थ्री तीनों कार्बन है एन है पर एन को एच नहीं है दिखा नहीं सकता। एक बच्चे जो न्यू मेंबर्स है जिनको सब टॉपिक्स आगे लिखा है ना मैंने लिस्ट में कितने बच्चे हैं पेंडिंग टॉपिक्स, क्योंकि अगर इस स्पीड से मैं हर दिन पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो फिर शायद मैं सिलेबस कवर नहीं कर पाऊंगा। ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर भी ठीक है इस स्पीड में किया तो एक चार दिन में मैं कदम कर भी लूंगा नॉनी कदम हो जाएगा। बट इफ आई स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ टीचिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन ये दो महीने भी कम पड़ेंगे फिर एक साल लग जाएगा कम से कम मिनिमम वन ईयर चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए इस स्पीड से। अगर आप तैयार है रिपीट करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत एक क्रैश कोर्स है तो ये स्पीड क्रैश कोर्स में अपेक्षित नहीं है ये एक रेगुलर क्लास में जो होता है ना। थैंक यू वेरी मच।